हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर सिविल इंजीनियर वीडियो सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ह्यूज वैकेंसी जो निकाली है जीपीएससी, और ये अगेन आपको मोटिवेट करने वाली है फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि जो लोग ईएससी या गेट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते फ्रेंड्स, बट उनकी तैयारी उस लेवल की होती है और किसी छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से फ्रेंड्स वो रह जाते हैं अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन एक बहुत ही लुक्रेटिव जॉब निकाली है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और वैकेंसी भी फ्रेंड्स यहाँ पे 350 है, तो एक बहुत अच्छा मौका है फ्रेंड्स। अगेन जो इसकी डेट है एग्जाम की, वो भी इस तरह से रखी गई है कि आपके गेट की जो तैयारी होगी उसी एग्जाम की तैयारी के साथ आप ये जीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एई सिविल, तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट में फ्रेंड्स ये आपको रिक्रूट करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन में, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, तो एई सिविल की पोस्ट में रिक्रूट कर रहे हैं अंडर नर्मदा एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द डेट 15/10/2019 1 PM टू 4 November 2019 1 PM। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा समय आपके पास है नहीं, नोटिफिकेशन एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है ये सारा कुछ डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। मेजर पोर्शन फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन का गुजराती लैंग्वेज में दिया गया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अदर स्टेट वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू विजिट नोटिस बोर्ड और वेबसाइट ऑफ कमीशन gpsc-ojs.gujarat.government.in। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन है जिसमें आप जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट जो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीलिम्स की होने वाली है, दैट इज 2/2/2020, तो फरवरी 2020 मैंने आपको बताया कि गेट की तैयारी के साथ आप ये एग्जाम दे सकते हैं, बिकॉज फेब फर्स्ट वीक के आसपास ही आप लोगों का ये गेट का एग्जाम भी कंडक्ट होगा। टेंटेटिव मंथ ऑफ पीटी रिजल्ट अप्रैल 2020। इंटरव्यू की फ्रेंड जो टेंटेटिव डेट दी हुई है वो है जुलाई 2020, एंड फाइनल रिजल्ट विल बी पब्लिश ड्यूरिंग 10 working days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू, तो मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेंड्स अगस्त में ये आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर देंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फ्रेंड्स इसकी वैकेंसी है, दैट इज 350 वैकेंसी, और आप देखिए जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 145 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है, और जिसमें वुमेन के लिए 47 रिजर्व की गई है, तो वुमेन के लिए फ्रेंड्स यहां पे एक अच्छा चांस है, बिकॉज आप देखिए 350 में 113 जो पोस्ट है वो वुमेन के लिए ही रिजर्व की गई है। नाउ अदर की हाइलाइट्स की बात करें फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, एक तो फ्रेंड्स आपके पास बीई की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये डिग्री होनी चाहिए आपके पास। दूसरा फ्रेंड्स आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू शुड पॉसेस एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ। इसका मतलब फ्रेंड्स जो गुजराती जानते हैं वो भी एलिजिबल है, जो हिंदी सिर्फ जानते हैं मींस जिनको गुजराती नहीं आती वो भी एलिजिबल है। तो ये फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन का की हाईलाइट है कि अदर स्टेट वाले जिन्हें हिंदी आती है फ्रेंड्स वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और बोथ अगर दोनों आती है तो वेल एंड गुड, तो आप तो मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। नाउ देखते हैं अदर की हाईलाइट्स। पे फ्रेंड्स यहाँ पे 9,300 से 34,800 का पे स्केल है, ग्रेड पे जिसमें 4,600 का दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल से ज्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी एज होनी नहीं चाहिए, और यहाँ पे फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी दिया गया है डिफरेंट कैटेगरी के लिए, तो इसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अदर जो इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, मैं आपको जस्ट इसकी वेबसाइट की स्क्रीनशॉट से दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन फ्रेंड्स प्रीलिम्स और इंटरव्यू ही होने वाला है, और प्रीलिम्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे मेंस नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा आपका प्रीलिम्स का पेपर, और सीधा इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया, इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है, टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें 100 मार्क्स होंगे फ्रेंड्स जनरल स्टडी के, और जिसमें 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, मींस एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जनरल स्टडी का, और पेपर होगा 100 मार्क्स का, तो बचा फ्रेंड्स 200 मार्क्स। 200 मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और टाइम ड्यूरेशन होगा फ्रेंड्स 3 घंटे, मींस 180 मिनट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी सिविल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी, और सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस वही है जो आपकी गेट ईएससी का सिलेबस होता है, तो आप अपनी गेट ईएससी की तैयारी के साथ ये एग्जाम दे सकते हैं। मार्क्स फॉर इंटरव्यू 100 मार्क्स रखे गए हैं फ्रेंड्स, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम आपका 300 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू का मार्क्स 100 होगा, लेकिन दोनों का वेटेज फ्रेंड्स 50-50 कर दिया गया है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने थॉरली सब्जेक्ट को कितना रटा है, आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं उसके बाद 50% वेटेज इंटरव्यू का है, और
आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में कभी भी फॉर्मूलेज नहीं पूछे जाते, वो देखते हैं कि आपने सब्जेक्ट को थॉरली कितना स्टडी किया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो आप देखें फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम गेट ईएससी, ऐसे स्टूडेंट्स जो गेट ईएससी के क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं और वो उसकी तैयारी छोड़ के वो एसएससी जेई की तैयारी करना शुरू कर देते हैं या फिर एमबीए की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, हमने जो अभी लास्ट वीडियो अपलोड किया कि जो कट ऑफ मार्क्स से फ्रेंड्स स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो 50% वेटेज से सेलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स आप एक क्वेश्चन देख के डर गए और तैयारी आपने छोड़ दी, आपको सिर्फ 50% क्वेश्चंस ही आने चाहिए ईएससी जैसा एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कितना टफ होता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन छोड़ने की आदत होनी चाहिए। लेवल वन पे कंसंट्रेट कीजिए फ्रेंड्स। आप रेकॉन सिविल अकेडमी के 650 आवर्स के वीडियो लेके देख सकते हैं। घर बैठे तैयारी कीजिए, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। रोज कम से कम 2-3 घंटा निकालिए। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने मोबाइल पे इन वीडियोस को देख सकते हैं। अपने समय को जाया मत जाने दीजिए फ्रेंड्स, बिकॉज एक सिविल इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट जॉब से बढ़कर कोई जॉब नहीं होती। अगर एक प्राइवेट में कोई सिविल इंजीनियर जॉब कर रहा है तो फ्रेंड्स आप उसकी हालत पूछ सकते हैं। और जितनी गवर्नमेंट की वैकेंसी फ्रेंड्स सिविल के लिए आती है, उतनी वैकेंसी किसी भी ब्रांच के लिए नहीं आती है। तो ये फैक्टर आपको ऑलवेज मोटिवेट करना चाहिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ना केवल सेंट्रल की वैकेंसी, पब्लिक सेक्टर की वैकेंसी, IIT का सिलेक्शन, ESC का सिलेक्शन, इसके अलावा भी फ्रेंड्स हर स्टेट अपने लेवल पे सिविल की वैकेंसी निकालता रहता है। और आप देख सकते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी जिसमें दूसरे स्टेट भी एलिजिबल हैं। आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, पता नहीं कब आपकी तैयारी के क्वेश्चंस आ जाए और फ्रेंड्स आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो थॉरली हर सब्जेक्ट को पढ़ते चले जाइए फ्रेंड्स। कोर्स रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.rconline.in विजिट करना मत भूलिए, या फ्रेंड्स स्क्रीन में दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सअप करके कोर्स की डिटेल पूछ सकते हैं। वापस से फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि एग्जाम जो होने वाला है वो फरवरी में होगा, अप्रैल में इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है, मेन का एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है फ्रेंड्स साफ साफ। और इंटरव्यू का फ्रेंड्स यहाँ पे अगस्त 2020 डेट दी हुई है और रिजल्ट्स जो है लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू के बाद आएगा। तो फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर स्टूडेंट से कम ये फॉर्म जरूर भरिए। 4 नवंबर लास्ट डेट है, ज्यादा समय आपके पास है नहीं। हर स्टेट का स्टूडेंट एलिजिबल है, वनस्पत उसे हिंदी या गुजराती या दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए और आपके पास बीई की डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसी तरह फ्रेंड्स, अगर घर बैठे आपको गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। टिल देन कीप वॉचिंग रेकॉन सिविल अकेडमी वीडियोस। एंजॉय योर इंजीनियरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम रेकॉन सिविल अकेडमी।